तो प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था टॉपिक वो तो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड किया था आज हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये फाइंड करेंगे थोड़ा पिक्चर मोड एक मिनट कैमरा को देख लें थोड़ी इसकी विजिबिलिटी कम है तो विजिबिलिटी को चेक कर लें चलो अब ठीक है तो टॉपिक हम लोगों का है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड ऑफ वर्क डन इन कैरिंग बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली मान लो एक एग्जांपल है कि यहां पर एक बॉडी जिसका मास एम है और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट इन साइज उसको इन्फिनिटी से हम इसके फील्ड रीजन में ला रहे हैं सपोज ये अर्थ ही है और कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है इसको कैरी करके हम फ्रॉम पाथ ए टू बी और फाइनली इसके फील्ड रीजन का जो एक्सट्रीम पार्ट है या सिंपली कह सकते हैं आर डिस्टेंस तक जो फील्ड रीजन है यहां तक इसको कैरी करके ला रहे हैं इसके लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क होगा उसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं तो यहां पर फीकर में वही हमने दिखाया है कि पॉइंट मास है, इसको हम इंफिनिटी से कैरी करके ए टू बी ला रहे हैं। इसके लिए जितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा अब ये देखो ध्यान से कैसे इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं ये जो मास गिवन है इसका फील्ड रीजन आर तक है और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से कैरी करके फ्रॉम ए टू बी डिस्प्लेस करते हैं और यहां का डिस्टेंस हम एज्यूम कर लेते हैं सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल एक्स है तो इनके बीच जो फोर्स होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस मास और जो यहां पर एक्स डिस्टेंस पर मास एम जो आपने इंफिनिटी से कैरी करके लाया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू जी एम एम बाई एक्स अगेंस्ट द फील्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट हम अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अब F का वैल्यू हमारे लिए क्या है GMM, x स्क्वायर और एफ और डी एक्स का डायरेक्शन फोर्स इन दोनों के बीच ऐसे लग रहा एफ और डी एक्स दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट है तो एफ डी एक्स 0 डिग्री कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू वन तो ये एफ डी एक्स कॉस जीरो डिग्री बन जाएगा एफ डी एक्स तो ये फोर्स हो गया और ये डिस्प्लेसमेंट डी एक्स हो गया अब इससे हम नेट अमाउंट ऑफ वर्क फाइंड करेंगे नेट अमाउंट ऑफ वर्क कहां से कहां तक फाइंड करेंगे आप कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट को लाया कैरी करके इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे इसके फील्ड रीजन तक मतलब पी पॉइंट तक इसका मतलब रेंज हमारा इंफिनिटी टू आर हो जाए अब ये क्वांटिटी क्या बन गया जी एम एम एक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स जी एम एम वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स इनफिनिटी टू आर तो ये बन जाएगा जी एम एम और माइनस साइन को नेगलेक्ट करना है तो हम पहले लोअर लिमिट डालेंगे और माइनस अपर लिमिट तो लोअर लिमिट वन बाई इन्फिनिटी माइनस अपर लिमिट वन बाई आर तो फाइनली क्या गया जी एम एम बाई आर इतना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ उस ऑब्जेक्ट को जब हमने कैरी किया इन्फिनिटी टू ए पॉइंट पी तो यही अमाउंट ऑफ़ वर्क हम लोगों ने फाइंड किया मानस जी एम एम बाई आर और पोडेंशियल इनर्जी जब अमाउंट ये ऑलरेडी कंजर्वेटिव फोर्स है तो अमाउंट ऑफ वर्क इज स्टोर्ड एज पोडेंशियल इनर्जी इस वर्क इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा जल्दबाजी में लिख दिया दिस वर्क इज स्टोर्ड एस ग्रेविडेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो अमाउंट ऑफ वर्क हो गया माइनस जी एम एम बाई आर ये पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया इसी को हम लोग यूज करेंगे हो गया ठीक है तो यहां पर अमाउंट ऑफ वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया लिखा हमने दिस वर्क इज स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी एज इट्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इसलिए यू का वैल्यू क्या गया मानस जी एम एम बाई आर यह वैल्यू हम लोगों को याद रखना है इसका यूज करेंगे अब यहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनर्जी नेगेटिव है क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव इन नेचर तो पहला पॉइंट वही है कि जब भी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि नेगेटिव है इसका मतलब क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और नेगेटिव ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू द गिवन ऑब्जेक्ट मान लो हम पोटेंशियल एनर्जी किसी पार्टिकल का अर्थ के रिस्पेक्ट में निकालते हैं इसका मतलब तो वो पार्टिकल बाउंड टू द अर्थ है यदि हम इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वो नेगेटिव आ रहा है इट मींस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस उनके बीच बाइंडिंग फोर्स है इसलिए वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में होगा क्योंकि ये रिजल्ट है ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेटिव फोर्स में एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर जब आप यू को अभी जो हम लोगों ने लिखा मानस जीएमएम बाई आर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा एट्रैक्टिव को अब ये पहला पॉइंट हो गया नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या इंडिकेट कर रहा है कि बॉड जो वो पार्टिकल हमने उसके नियर लाया तो वो क्या होगा उससे एक तरह से आप कह सकते हैं कि यदि हम इसको कंसीडर कर लें तो ये जो पार्टिकल गिवन पार्टिकल है जिसका मास m और इस पार्ट मास को m को आपने कैरी करके इसके फील्ड रीजन में लाया इसका मतलब दिस पार्टिकल इज बाउंड टू द दिस पार्टिकल ठीक अब ये आर के वैल्यू को यदि हम इंक्रीज करें तो डिनोमीटर का क्वांटिटी इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी लेसर होता जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा लेस नेगेटिव होगा लेस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ एस आर इंक्रीजेस तो क्या होगा लेस नेगेटिव होने के कारण से पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा यह नहीं सोचना है ये आर का वैल्यू बढ़ रहा है तो ये क्वांटिटी घट रहा है क्वांटिटी तो घट रहा है लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव कम हो रहा है इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो सेकेंड पॉइंट ये हो गया अब आर का वैल्यू हमारा क्या है यदि हम इसमें आर का वैल्यू इन्फिनिटी डाल दें पोजिशन इस पार्टिकल को फिर से यहां से लेकर के इन्फिनिटी पर ले जाए तो क्या होगा इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो इसलिए टी डालने पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो जो कि वो मैक्सिमम होता है अब कहता है इफ ए बॉडी ऑफ मास एम इज मूव फ्रॉम अ डिस्टेंस आर वन टू टू लेकर के जा रहे हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा वो भी हम लोग निकाल सकते यहां तक आ गया समझ में क्लियरली यहां से यहां तक का वैल्यू यारह जीएम इंटू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू अब ये कैसे आएगा बोलो जो हम लोगों ने इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाला है देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क या डेल्टा यू या अमाउंट ऑफ वर्क बात एक ही है क्या लिखा था अमाउंट ऑफ वर्क और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां तक आर वन से आर टू क्या फॉर्मूला आया था जीएमएम बाई बोलो एक्स स्क्वायर डी एक्स चलो इसको इंटीग्रेट करके देखो ये रिजल्ट आ जाएगा अब यहां पर एक स्टेप लिख रहा है जीएमएम वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स माइनस साइन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं बताओ जल्दी से माइनस साइन को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट तो वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर टू देखो ये रिजल्ट है हो गया अब यहां पर हम लोग डन अगेंस्ट ग्रेविटी यदि मास को मूव करा रहे आर वन टू आर टू तो वो फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया अब कहता है यदि मास एम को सरफेस ऑफ अर्थ से किसी पर्टिकुलर हाइट एच पर ले जाए तो आर वन क्या हो गया सरफेस ऑफ अर्थ मीनस कैपिटल आर R2 क्या बन जाएगा आर प्लस एच बन जाएगा तो देखते कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा यही फॉर्मूला यूज करेंगे आर वन की जगह क्या पुट कर देंगे जगह पर क्या पुट करेंगे चलो हम लोग निकाल के देखते कितना अमाउंट ऑफ वर्क होता है ये वालों सबसे करते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू जी एम एम वन बाई आर वन की जगह पर वन बाई आर आर टू की जगह पर आर प्लस एच टीएमएम या एलसीएम ले लो आर इन टू आर प्लस एच ये आ गया आर प्लस एच माइनस आर 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 कैंसिल हो गया और जीएम को क्या लिखा है टी आर स्क्वार लिखा है एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी को जीएम आर बाई आर स्क्वायर ये कितना बार हम लोगों ने यूज किया एक्सलेशन ड्यू टू ग्राविटी एट द स्क्वायर तो जी एम की जगह पर क्या आ गया जी आर स्क्वायर हो गया इन टू स्मॉल एम यहां से अब ये क्वांटिटी एच हो गया ठीक अब आर प्लस एच का मतलब क्या है एच मच स्मॉलर हम इसको क्या लिख सकते हैं एच मच स्मॉलर है इस मीन आर प्लस एच अप्रॉक्सिमेटली आर एच को इग्नोर कर दे तो क्या बन जाएगा डिनोमीटर में एक क्वान्टिटी आर स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया क्या बन गया एमचीएच इसलिए किसी भी बॉडी को हम लोग थ्रू हाइट एच ले जाए अमाउंट ऑफ वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या बन जाता है एमजीएच हो गया तो ये भी M9 का एक फॉर्मूला एक तरह से या जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया देखो एच बी आर कैन बी नेग्लेक्टेड तो फाइनली अमाउंट क्या गया? आ गया एम जी एच क्लियर है हंड्रेड परसेंट चलिए अब नेक्स्ट पार्ट आ जाए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल दोनों में रिलेशन निकाले इंटेंसिटी के साथ भी कहता कि चेंज इन पोडेंशियल बिटवीन टू पॉइंट अब ग्रेविटेशन पोडेंशियल और पोडेंशियल इनर्जी में क्या डिफरेंस है कंप्लीट होने दे हा इन दोनों में क्या डिफरेंस है ग्रेविटेशन पोटेंशियल इनर्जी कहता है इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज या मास फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट ठीक पोटेंशियल कहता है अमाउंट ऑफ वर्क इन कैरिंग अ मास और चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी मीन्स रेफरेंस पॉइंट टू ए गिवन पॉइंट तो हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या लेते हैं अर्थ लेते हैं और अर्थ का पोटेंशियल जीरो ठीक तो इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं यदि मान लो कि आप किसी मास को एम नॉट को, को या एम को कैरी करके ए टू बी ला रहे हो फ्रॉम ए टू बी ठीक इस कंडीशन में फाइनल पोटेंशियल मींस वी बी माइनस इनिशियल पोटेंशियल इसका मतलब अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम ए टू तो बी और किस मास को ला रहे एम या एम नॉट जो भी आप इधर एम नॉट लिख दे या M लिख दे या लिख इसका मतलब ये जो बताएगा पोटेंशियल पोटेंशियल एट एट बी ए ये डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी को बताता है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल बाय मास नॉट लिखो या एम लिखो अब इसको हम लोग इनिशियली यदि इन्फिनिटी ले ले फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए सर्टेन पॉइंट और इस बी को हम मान ले आर तो ये क्या बन जाएगा फाइनल मींस बी एट आर या वी एट बी माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी ये क्या बन जाएगा यू आर माइनस यू एट इन्फिनिटी बाई एम नॉट एंड पोटेंशियल एट इनफिनिटी जीरो इसका मतलब पोटेंशियल एट एट अ पॉइंट या आर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट आर बाई मास नॉट या सिंपली पोटेंशियल इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट मास इस फॉर्म में याद रखेंगे इतने तरीके से लिख सकते हो आप यहां यह भी तरीका देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास वैसे भी लिख सकते हैं एंड पोटेंशियल एट ए पॉइंट लिखेंगे तो यह फॉर्मूला आ जाएगा आ गया समझ में चलो इसको नोट कर लिया हो गया अब कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन ग्रेविटेशन फील्ड इज डिफाइंड एज अभी आपको कहा अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बा इन ब्रिंगिंग अ पार्टिकल स्लोली फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट मींस इनफिनिटी टू द गिवन पॉइंट दैट इज यही है आप इनफिनिटी से इस मास को कैरी करके पी पॉइंट तक ला रहे हो ठीक तो इस कंडीशन में पोटेंशियल एट आर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट आर माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनफिनिटी और फाइनली क्या गया रिजल्ट इसका वैल्यू सबसे कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया पोटेंशियल एनर्जी अभी जस्ट हम लोगों ने क्या फाइन किया है माइनस जी एम mm एम बाई आर और अभी क्या कहा पोटेंशियल एट ए पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ये माइनस जी एम एम बाई आर होल डिवाइडेड बाई एम एम आर एम कैंसिल हो जाएगा देन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट का फॉर्मूला ये, ये यूज कर हो गया अब रिलेशनशिप बिटवीन ग्राविटेशनल फील्ड एंड पोटेंशियल फील्ड और पोटेंशियल के बीच रिलेशनशिप फाइंड करेंगे तो डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या पड़ा डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पर मास ठीक इसी को यूज करेंगे यहां पर डिफरेंस इन पोटेंशियल डीवी लिखा डिफरेंस इन एनर्जी बाय मास डिफरेंस इन एनर्जी को क्या लिख रहे हैं हम लोग नेगेटिव ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क अमाउंट ऑफ वर्क का फॉर्मूला क्या है माइनस ये कैरी हो जाएगा वर्क डन फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय मास फोर्स और फील्ड में क्या रिलेशन है हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा रखा है फील्ड को या इंटेंसिटी को लिखते हैं फोर्स पर मास। इट मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू इंटेंसिटी इसलिए यहां पर ये सब्सिट्यूट कर देंगे मास इनटू इंटेंसिटी डॉट डी आर बाई मास एम एम और एम कैंसिल हो गया फाइनली क्या आ गया माइनस आई डॉट डी आर बोलो क्लियर है यहां तक माइनस आई डॉट डी आर किसके इक्वल डीबी के इक्वल तो फाइनली डीबी इज इक्वल टू क्या बन गया बोलो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं आई डॉट डी आर ठीक और आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर अब कहोगे कि सर ये ऐसे कैसे हो गया इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की तरह है फोर्स के डायरेक्शन में तो ये क्या बन जाएगा आई टी आर कॉस जीरो डिग्री इसलिए फाइनली फाइनल क्या बन गया आई डी आर डॉटीजिकल टू ए बी कॉटा तो थीटा जीरो आई डी आर कॉस टू क्या बना माइनस डी बी बाईर इसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी एस पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटेंसिटी का वैल्यू किसके बराबर आया पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल तो इंटेंसिटी एस अ पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई भी क्वांटिटी डिस्टेंस बढ़ाने से घट जाए तो उस टर्म को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट हो गया तो आई सिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर अब इसको और भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं मान लो कि इंटेंसिटी को हम थ्री डायमेंशन में यूज कर ले आप यहां पर ई भी यूज कर सकते हो इसलिए हम दोनों सिंबल यूज करेंगे आई भी यूज कर सकते हो ई भी यूज कर सकते हो दोनों सिंबल यूज कर सकते हम लोग तो यहां पर आ गया dv इज इक्वल टू माइनस आई डी आर और हम इसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे और आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सिंबल ई भी यूज कर सकते हैं किसी किसी बुक में आई से रिप्रेजेंट किया किसी बुक में ई से अब यहां पर जो फील्ड है इसको थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो आई कैप एक्स जे कैप ई वाई के कैप ई जेड इसी तरह से डी आर को भी थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई थोड़ा हम लोग को वेट करना पड़ेगा सिस्टम हैंग कर गया इसको स्विच ऑफ करना होगा नहीं काम कर रहा है देखते हैं रीस्टार्ट करके कहीं हो जाए देखते ट्राई कर तो इसका है ना देखते हैं रिस्टार्ट करके हो जाए कि कभी कभी टिंग इफेक्ट के कारण से बंद हो जाता है तो कहां तक तब तो तक हम लोग रिवीजन कर ले आई इक्वल टू माइनस क्या था माइनस डी डीवी बाई डी आर तो डीवी इक्वल टू माइनस आई डॉट डी आर और फिर उसको हम लोगों ने ई e मानस -E ई डॉट डी आर बी लिखा ठीक चलो यहां तक आ गए हम लोग फिर वापस तंग कर रहा है ये सिस्टम आज कुछ परेशानी हो गई जरा देखते क्या आ रही है तो इक्वल तो माइनस और इसी को हम लोग इज इक्वल टू तो माइनस डीवी बाई डी आर के फॉर्म में भी यूज कर सकते ठीक है तो इक्वल टू तो माइनस ई डॉट डी आर इसको हम लोग यूज कर रहे हैं तो इक्वल टू तो माइनस ई डॉट डी आर हमने कहा कि e को थ्री डायमेंशन में लिखेंगे तो i कैप इक्स जे कैप ई वाई के कैप ई जेड और डी आर को फिर वासी लिखा आई कैप डी एक्स जे कैप डी वाई के कैप डी जेड ठीक है यहां तक आई डॉट आई वन तो क्या आ गया माइनस ई एक्स डी एक्स जे डॉट जे वन ईवाई डी वाई के डॉट के वन एजेड डी जेड हो गया DV अब इसको हम एक्स कंपोनेंट लिखना चाहें तो ये बन जाएगा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई लेकिन हम लोग इसको पार्शियल डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिखेंगे वी बाई डेल एक्स इसी तरह से ई वाई जब लिखेंगे तो माइनस डेल वी बाई एल वाई इसी तरह से ई जेड जब लिखेंगे तो माइनस डेल वी बाई एल जेड ये पार्शियल है इसका मतलब इसमें बहुत सारे वेरिएबल रहेंगे और किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट होगा जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं मान लो हमको पोटेंशियल गिवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और कहता फील्ड आप निकालो इन एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन जेड डायरेक्शन इस तीनों में हमको फील्ड निकालना है तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा ई एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स तो वी का वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब यहां एक्स वेरेबल है वाई जेड इसके लिए कांस्टेंट है तो सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा वाई और जेड का जीरो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप में हम ई वाई निकालेंगे तो माइनस डेल वी बाई डेल वाई सिर्फ वाई का डिफरेंसिएशन करेंगे ये दोनों कांस्टेंट क्या आ जाएगा माइनस थ्री वाई स्क्वायर इसी तरह से जेड वाले में सिर्फ जेड का डिफरेंसिएशन करेंगे एक्स और वाई कांस्टेंट तो क्या आ जाएगा माइनस थ्री जेड स्क्वायर हो गया अब एक बार हम लोग सारे रिजल्ट को वेरीफाई कर ले क्या लिखा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल मतलब मार्स डीवी बाई डी आर क्या दे रहा आई के बराबर दे रहा इसका मतलब क्या है डी वी का मतलब स्कैलर फंक्शन इसके रिस्पेक्ट में पोजीशन के रिस्पेक्ट में तो कहता हुई स्पेस डेरिवेटिव गिव्स इंटेंसिटी निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर है जिधर पोटेंशियल घट रहा है नियरेस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा दूर दे जाओगे तो पोटेंशियल घटता जाएगा तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही होगा मान लो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं. कि जैसे यहां पर एक सरफेस दे दिया इस सरफेस का पोटेंशियल 20 वोल्ट इसका सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट इसका 5 वोल्ट एक एग्जाम्पल दे रहे वोल्ट यूनिट लिया पोटेंशियल का तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा जिधर पोटेंशियल घट रहा है इधर नहीं होगा इधर नहीं होगा इधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ठीक हमने क्या लिखा इसी फॉर्म में लिखा अब यहां पर इसको इस फॉर्म में लिख करके इनिशियल आर वन और आर टू जो अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला इसको हम लोग इस फॉर्म में भी याद रखेंगे ये जो हमारा रिजल्ट आया डिविजिकल टू माइनस आई डॉट डी आर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें अब इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट हम कहां से कहां तक आर वन से आर टू ले आर वन टू आर टू इसलिए हमको यदि इन इसको ऐसे भी ले सकते इनिशियल रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है इन्फिनिटी तो एट ए पॉइंट जब निकालना होगा तो आर वन की जगह इन्फिनिटी आर टू की जगह पर आर यूज कर लेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी टू आर और I डॉट डी आर ये क्या देगा पोटेंशियल एट ए पॉइंट जब एट ए पॉइंट निकालना है तो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट हम लोग R1 की जगह इंफिनिटी यूज करेंगे हो गया तो यहां पर देखो ये अभी जस्ट हम लोगों ने फाइंड किया और इसको एक्स को इस फॉर्म में लिखा माइनस डेल वी बाई डेल एक्स ई वाई को डेल वी बाई डेल वाई ई जेड को माइनस डेल वी बाई डेल जेड क्लियर है अब आ जाए नेक्स्ट है हम लोगों ने रिंग के लिए फिल्ड निकाला था अभी हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे अब पोटेंशियल के हेल्प से भी हम लोग इंटेंसिटी को निकाल सकते फील्ड को निकाल सकते तो जैसे एक सर्कुलर रिंग जिसका एलिमेंट्री मास यहां पर है और पी पॉइंट पर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे एलिमेंट्री मास को कंसिडर करते हैं ये सारी चीजें ये थोड़ा सा ये नीचे पता नहीं ये बाई मिस्टेक ये आ गया मेरे नाम की जगह पर आ गया स्कूल का नाम बाई मिस्टेक अच्छा चलो कोई बात नहीं जस्ट ए मिनट ये नहीं होना चाहिए टॉपिक हम लोगों का वही रखेंगे ठीक है ये नहीं होना चाहिए चलो कोई बात तो हम लोग फाइंड करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू रिंग एट ए पॉइंट तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो रिंग के ऊपर एक एलिमेंट्री मास ले लेंगे इसका रेडियस कुछ भी मान लीजिए इसका रेडियस कैपिटल आर ले लें ये डिस्टेंस आर ले लें और ये हमारा डिस्टेंस हो गया जेड मान ले तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट पी निकालेंगे ड्यू टू दिस एलिमेंट्री मास तो ये पोटेंशियल हमारा डीवी बन गया ठीक अब ये डीवी क्या फॉर्मूला है माइनस की डीएम एम बाई आर मींस जेड हो गया डिस्टेंस तो यही है अब यहां पर माइनस जी और जेड का वैल्यू क्या है किसके बराबर है? अंडर उठ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू डीएम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो फाइनली पोटेंशियल ड्यू टू रिंग माइनस जी बाई अंडर इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो फाइनली टोटल मास को ये रिप्रेजेंट करेगा तो जीएम बाई अंडरऊ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाए तो पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर रिंग Along the axis at any point P at a distance R from the center, the value of mm -hmm. minus Gm by under root R square plus R square. Mm -hmm. hum logo ne intensity due to ring product formula minus sorry e m or distance axial hai r divided by. क्या था भाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल्ड टू दी पावर थ्री बाई टू देखो प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था कॉपी चेक करो देखो कॉपी चेक करो डिस से पहले सर्कुलर डिस्क से पहले सर्कुलर रिंग का हमने फ़ील्ड और इंटेंसिटी निकाला था ये फ़ॉर्मूला आया था इसका मतलब हम लोग इस रिजल्ट से फील्ड भी निकाल सकते हैं ठीक अब कैसे वो प्रूफ करते हैं। क्या फील्ड और इसमें क्या रिलेशन आया था जल्दी बताओ अभी रिजल्ट हम लोगों ने निकाला ना आई का वैल्यू मानस डीवी बाईर घबराते क्यों हो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर माइनस डी बाई डी आर पोटेंशियल का वैल्यू डाल दे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या माइनस जीएम बाई अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट आ गया जो कोफिशिएंट की तरह बिहेव करेगा माइनस माइनस प्लस हो गया डीएम बाहर निकाल दिया डी बाई डी आर अब इस होल क्वांटिटी जो है आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इस पर पावर कितना हो गया ऊपर जाएगा तो माइनस वन बाई टू होगा ठीक ये माइनस माइनस प्लस हो गया जीएम अब ये क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या हो गया एन एक्स एन माइनस वन तो टू दी पावर क्या आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू और इसके अंदर जो वेरेबल है आर स्क्वायर कैपिटल कांस्टेंट है आर स्क्वायर स्मॉलर वेरेबल है देख लो तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या बन जाएगा जल्दी से बता दो कैपिटल आर का जीरो इस आर स्क्वायर का टू आर ये टू आर टू कैंसिल हो गया बोलो क्लियर टू आर टू कैंसिल हो गया ठीक इंटेंसिटी हम लोग मैग्नीच्यूट के टर्म में लेते हैं ये ये हमेशा मैग्नीच्यूट के टर्म में आएगा ठीक अब इसको सिंप्लीफाई करके बताओ एम, क्या बचा बोलो आर बचा और ये क्वांटिटी नीचे आया तो क्या दिया पॉजिटिव दिया तो वैल्यू कितना आ गया आर प्लस आर स्क्वायर टू पावर थ्री बाई टू देखो है रिजल्ट यदि हमको पोटेंशियल पता हो तो इंटेंसिटी फ़ील्ड भी निकाल सकते हैं आगे समझ में तो डिस्क का हमको इंटेंसिटी पता है फील्ड पता है कोई एक चीज पता है, दूसरा फाइन कर सकते तो एक एग्जाम्पल दिया ठीक है इसी तरह से हम लोग डिस्क का निकाल सकते हैं हॉल का निकाल सकते हैं, तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे क्योंकि हमको स्लाइड की जरूरत थी और ये हमारा बाई मिस्टेक आ गया था स्लाइड तो हम लोग रिजल्ट सिर्फ वेरीफाई कर ले तो ये देख लीजिए इसको डिफ्रेंशिएट करके रिजल्ट वही आया था ठीक तो फाइनल रिजल्ट वही आया आज के लिए हम लोग इतना ही और नेक्स्ट क्लास में डिस्क और स्पेयर वगैरह का देख लेंगे और फिर हम लोग कैप्लस लॉ के, के वेलोसिटी ये सब बहुत सारे टर्म बच्चे हुए उन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे